हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चन रिलेटेड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर वन, दिस इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन इसमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन वन, एनर्जी ट्रांसडक्शन। ऑप्शन टू, इंटर सेलुलर इंट्रैक्शंस। ऑप्शन थ्री, रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ऑप्शन फोर, असिस्टिंग इन क्रोमोसोम सेग्रीगेशन। मतलब एनर्जी को ट्रांसफ़र करना, या दो सेल के बीच में इंट्रैक्शन करना, या एक्सटर्नल स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करना, एंड ऑप्शन फोर इज़ क्रोमोसोम की सेग्रीगेशन में हेल्प करना। तो करेक्ट आंसर इसमें ये है, क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन जो हेल्प करना है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शंस दे आर द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट इज, इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन ए, ऑलवेज फेसेस आउटवर्ड्स टुवर्ड एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। ऑप्शन बी, डायरेक्टेड टू ऑल साइड्स इन द मेम्ब्रेन रैंडमली। ऑप्शन थ्री, ऑलवेज फेसेस टू द ल्यूमेन ऑफ सेल। ऑप्शन डी, ऑलवेज फेसेस इनवर्ड टू द नॉन पोलर पोर्शन ऑफ द मेम्ब्रेन। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, इट इज़ मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड इट इज़ वाटर सॉल्युबल, पानी में ही घुलता है। तो जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, हेड एंड टेल स्ट्रक्चर, उसमें जो हेड है जो अंदर की तरफ आता है वो पानी में सॉल्युबल नहीं, लिपिड है, एंड टेल पोर्शन जो बाहर की तरफ जाता है वो आपका वाटर सॉल्युबल पोर्शन है। तो ऑप्शन इसमें ए करेक्ट होगा, ऑलवेज फेसेस आउटवर्ड टुवर्ड द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। नेक्स्ट इज, इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ग्लाइकोलिपिड्स आर यूजुअली सिचुएटेड इन। मतलब ग्लाइकोलिपिड कहाँ पे सिचुएटेड रहते हैं? तो पहला ही क्लियर है ये, ग्लाइकोलिपिड में आपका इट इज़ मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड लिपिड। लिपिड तो अंदर की तरफ होगा लेकिन ग्लूकोज बाहर की तरफ होगा। तो ऑप्शन होगा इसका करेक्ट, आउटर लीफलेट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब जो मेम्ब्रेन में हमारे इंटरनल, एक्सटर्नल और ट्रांस मेम्ब्रेन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, उसमें ग्लाइकोलिपिड बाहर की तरफ होगा। नेक्स्ट है हमारा, अ मेजर इंट्रैक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबलाइजिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबल रखने के लिए कौन सा मेजर फोर्स स्टेबल रिस्पॉन्सिबल है या उसके पीछे जिम्मेदार है? ऑप्शन ए है हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, ऑप्शन बी है हाइड्रोफिलिक इंट्रैक्शन, सी है कोवलेंट बॉन्ड्स, डी है आयनिक बॉन्ड। एंड द करेक्ट आंसर इसका होगा हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस। मतलब कि हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन से जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इट इज़ मेंटेन स्टेबल। नेक्स्ट है हमारा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन विच सीक्वेंस। लाइक जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर होता है हेड एंड टेल में, तो लिपिड मेम्ब्रेन हमेशा अरेंज रहती हैं हेड पैरलर में। तो करेक्ट आंसर है इसका हेड पैरलर। नेक्स्ट इज आयन कैरियर्स, आयन कैरियर्स आर लोकेटेड इन। ऑप्शन ए इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बी सेल वॉल, सी इज न्यूक्लियस, डी सेलुलर स्पेस। तो आयन कैरियर्स जो है वो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होती है, क्योंकि ये कैरी कर मेम्ब्रेन के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट्स होते हैं उसमें ही हेल्प करती है। नेक्स्ट इज, इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन द बेस्ट मेथड टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन इज। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, मतलब जो अंदर की तरफ मेम्ब्रेन के अंदर में इनसाइड रहती है, उसको स्टडी करने के लिए कौन सा बेस्ट मेथड है? ऑप्शन हमारे पास है एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी, फ्रीज फ्रैक्चर एनालिसिस एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, क्रायो सेक्शनिंग एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक, और ऑल ऑफ द अबव। एंड करेक्ट आंसर इसका फ्रीज फ्रैक्चर एनालिसिस एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। नेक्स्ट, इन द प्लांट सेल दिस लेयर इज प्रेजेंट नियरेस्ट टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब प्लांट सेल में कौन सा लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सबसे पास रहता है? ऑप्शन ए है टोनोप्लास्ट, बी है मिडिल लैमेला, सी है सेकेंडरी लैमेला, डी है प्राइमरी वॉल। तो टोनोप्लास्ट तो वैक्यूल मेम्ब्रेन जो होती हैं उनका होता है, देन मिडिल लैमेला बीच में जो दो सेल वॉल को जोड़ता है वो हो गया, सब प्राइमरी अंदर में होता है, उसके बाद सेकेंडरी होता है, सेकेंडरी वॉल होती है। तो सेकेंडरी वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास सबसे नियरेस्ट होती है। नेक्स्ट है बीट रूट, इफ केप्ट इन कोल्ड वाटर एंथोसाइनिन डज नॉट कम आउट ड्यू टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
बीटरूट को अगर हम ठंडे पानी में रखते हैं तो उसका एंथोसायनिन बाहर नहीं निकलता है, क्योंकि जो उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट इज़ इम्परमिएबल टू एंथोसायनिन, मतलब वो परमिएबल नहीं करता, परमिट नहीं करता है एंथोसायनिन को मूव आउट करने के लिए। नेक्स्ट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ मेड अप ऑफ अ प्रोटीन, ऑप्शन है हमारा प्रोटीन, लिपिड एंड सेलुलोज लेयर। बी है बाई मॉलिकुलर लिपिड लेयर सराउंडेड बाई प्रोटीन लेयर्स। सी है प्रोटीन लेयर बिटवीन टू लिपिड लेयर्स। एंड डी इज़ अ लिपिड लेयर बिटवीन टू प्रोटीन लेयर। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका हमारा होता है बाई मॉलिकुलर लिपिड लेयर विच इज सराउंडेड बाई प्रोटीन लेयर्स। विच आर द फॉलोइंग इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, कौन सा इसमें से बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ऑप्शन है हमारा ए है फॉस्फोप्रोटीन, बी है प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड, सी इज फॉस्फोलिपिड एंड डी इज सेल्यूलोज। तो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड दोनों होती है। प्रोटीन्स मेड अप ऑफ अमीनो एसिड एंड फॉस्फोलिपिड्स आर लिपिड कंटेनिंग फॉस्फोरस ग्रुप। पिनोसाइटोसिस एंड फेगोसाइटोसिस आर एबसेंट इन, मतलब पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस जो प्रोसेस है वो किस में एबसेंट होती है। ऑप्शन है हमारा ए प्रोकैरियोटिक सेल, बी है यूकैरियोटिक एनिमल सेल, सी है यूकैरियोटिक प्लांट सेल और डी आर नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज यूकैरियोटिक प्लांट सेल्स। अकॉर्डिंग टू मोज़ेक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ, मतलब मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा बना हुआ है। ऑप्शन है हमारा सेलुलोज और हेमी सेलुलोज, बी इज फॉस्फोलिपिड एंड इंटीग्रल प्रोटीन, सी इज फॉस्फोलिपिड एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड डी इज फॉस्फोलिपिड एंड हेमी सेलुलोज। तो जो हमारा अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट इज़ मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड इंटीग्रेट प्रोटीन। नेक्स्ट इज, व्हेन अ सेल इनगल्फ और सराउंड अ पार्टिकल एंड फॉर्म्स अ वेसिकल अराउंड इट द फेनोमेन इज नोन एज, मतलब जब कोई सेल किसी पार्टिकल को लेके उसके किनारे कोई वेसिकल बनाते हैं और फिर उसे ले लेता अंदर में, उसे हम क्या प्रोसेस को बोलते हैं। दैट प्रोसेस, ऑप्शन ए है एक्सोसाइटोसिस, बी है एंडोसाइटोसिस, सी है फेगोसाइटोसिस, डी इज नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज एंडोसाइटोसिस। नेक्स्ट इज, यूनिट मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, यूनिट मेम्ब्रेन जो हमारी है वो सेलुलोज की बनी होती है। तो करेक्ट आंसर है इसका सेलुलोज। नेक्स्ट इज, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर हेल्ड इन द बाई लेयर मेनली बाय, मतलब किस फोर्सेस से जो हमारी प्रोटीन्स है, मेम्ब्रेन प्रोटीन है, प्रोटीन्स प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन आर मेम्ब्रेन प्रोटीन, और ये किस फोर्स से बाई लेयर में, दो लेयर में रहती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट इज लिपिड मॉलिक्यूल, लिपिड मॉलिक्यूल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में है वो किस तरीके से अरेंज रहता है। तो वी हैव सीन दैट इट इज़ अरेंज हेड पैरलर, मतलब उसका जो हेड रहेगा अंदर की तरफ रहेगा और पैरलर रहेगा, टेल बाहर की तरफ रहेगा। थिकनेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी है, इट इज़ अराउंड 70 angstrom to 100 angstrom। द नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, कौन सा इसमें से नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। तो राइबोसोम, सेंट्रियोल, न्यूक्लियोलस एंड द करेक्ट इज ऑल ऑफ दीज। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, विच ऑर्गेनल्स, मतलब जो हमारी सेल में ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है उसमें से कौन से सिंगल मेम्ब्रेन है, जिसमें जैसे एक डबल मेम्ब्रेन होता है, सिंगल मेम्ब्रेन होता है। डबल मेम्ब्रेन इज माइटोकॉन्ड्रिया लाइक, ऐसे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स सेल में कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन में है लाइजोसोम, स्फेरोसोम, क्लाइऑक्सिसोम एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। लाइजोसोम, स्फेरोसोम, क्लाइऑक्सिसोम, ये सब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। नेक्स्ट इज डेस्मोसोम, डेस्मोसोम इज मॉडिफिकेशन ऑफ, डेस्मोसोम जो ऑर्गेनल है वो किस और नेक्स्ट ऑर्गेनल से मॉडिफाई होकर बन रहा है। तो इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प्स इन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करती है मेनली, इसका मेन फंक्शन है ऑस्मो रेगुलेशन। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स वर्क्स एज अ रेसिपिएंट फॉर मॉलिक्यूल्स, इट वर्क एज अ रेसिपिएंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन, इट हेल्प्स इन सेल रिकॉग्निशन एंड डी ऑल ऑफ दीज वर्क। सो ऑल ऑफ दीज वर्क ये सारे जितने भी हैं ये सब मेम्ब्रेन प्रोटीन कैरी आउट करते हैं। साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट कैन पास थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
कितने साइज का मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास कर सकता है? 10 से 13 एंगस्ट्रॉम। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स परमिएबिलिटी, कौन सा चीज़ परमिएबिलिटी कंट्रोल करता है? तो करेक्ट आंसर इज ऑलवेज सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन जो होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है हमारी, ये परमिएबिलिटी किसको अंदर लाना है बाहर लाना है इसे कंट्रोल करती है। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन आर कंपोज्ड ऑफ, हमारी जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स हैं उनमें कितना प्रोटीन है और कितना लिपिड है? तो वी हैव 60% प्रोटीन एंड 40% लिपिड्स। मोस्ट एबंडेंट लिपिड इन सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में सबसे ज़्यादा एबंडेंट कौन सा लिपिड पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर है फॉस्फोलिपिड, दैट इज लिपिड कंटेनिंग फॉस्फोरस ग्रुप। द टाइप ऑफ सेल जंक्शन विच फैसिलिटेट सेल टू सेल कम्युनिकेशन, मतलब सेल में ऐसा क्या प्रेजेंट है जंक्शन जिसे बोलते हैं, जैसे कि दो मोटर गाड़ी होती है उनके बीच में जंक्शन से हम जोड़ते हैं उनके इंजन्स को, मोटर्स जो होते हैं उनके, वैसे ही सेल में जो ऐसा क्या जंक्शन है जिसे सेल टू सेल कम्युनिकेशन होता है, दैट इज गैप जंक्शन। विच मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन डज नॉट रिक्वायर कैरियर मॉलिक्यूल, किस ट्रांसपोर्ट के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कैरियर मॉलिक्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब किसी और मॉलिक्यूल के हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है? तो इसमें करेक्ट आंसर है आउट ऑफ दीज ऑप्शंस एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन एंड सोडियम पोटेशियम पंप। सिंपल डिफ्यूजन में किसी कैरियर मॉलिक्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ऑप्शन हमारे पास है कोलेस्ट्रॉल, बी है प्रोलीन, सी है ग्लाइकोलिपिड, डी है फॉस्फोलिपिड। आउट ऑफ दीज ऑप्शन प्रोलीन इज अमाइनो एसिड एंड इट इज नॉट कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ ऑल एंड दिस कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड, फॉस्फोलिपिड, ये सारे क्या लिपिड्स हैं और ये सब सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेल ईटिंग, सेल जो खाता है, मतलब सेल जब कोई चीज़ को अंदर लेते हैं पूरी होल प्रोसेस कहते हैं फेगोसाइटोसिस। द बल्क अपटेक ऑफ फ्लूड बाय सेल, द बल्क अपटेक ऑफ फ्लूड बाय सेल इज नोन एज पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस में फ्लूड जो होता है उसे सेल लेते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चन रिलेटेड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द थियोरेटिकल पोर्शन विच वी हैव सॉल्वड in the previous lecture, that what is plasma membrane, what is membrane protein, what is phospholipid. So based on this we have solved some of these questions. Thank you.